तो क्या आपने ईश्वर का अनुभव किया है आप ये प्रश्न इतनी आसानी से पूछ रहे हैं जब आप भगवान कहते हैं तो मैं चाहता हूं आप ये समझें। आप भगवान कहते हैं तो आप किसी इंसान या चीज की बात नहीं कर रहे आप भगवान कहते हैं तो आप अपनी रचना के स्रोत की बात कर रहे हैं है ना है कि नहीं आप भगवान कहते हैं तो आप अपनी रचना के स्रोत की बात कर रहे हैं जहां से आप आए हैं मेरे जीव का स्रोत क्या है आप ये पूछ रहे हैं तो आप मुझे पूछ रहे हैं क्या आपने मेरे जीव या अपने जीव के स्रोत का अनुभव किया है क्योंकि अलग नहीं हो सकता अभी शायद आपका जीव और मेरा जीव बहुत अलग हो लेकिन इसका स्रोत अलग नहीं हो सकता तो जब आप पूछते हैं क्या आपने इसका अनुभव किया है आप पूछ रहे हैं क्या मैंने आपके अस्तित्व के स्रोत का अनुभव किया है है ना तो सवाल की गहराई ने अब भी आपको पीड़ा नहीं दी है यह सतह पर है बस जिज्ञासा ठीक है फिर भी हम इसे देखेंगे यह पूछना कि मेरी रचना का स्रोत क्या है इसका मतलब है मैं यहां मौजूद हूं पर अपने होने की मूलभूत बातें भी नहीं जानता है ना यही इसका मतलब है मैं कौन हूं इसके मूल को जाने बिना अगर आप इसका मतलब समझते हैं तो यह छोटी बात नहीं है ये आपको चीर देगा जैसा कि शायद हमने कल ये बात की थी इग्नोरेंस पेन ऑफ नॉट नोइंग अज्ञानता का दर्द न जानने के दर्द को आपको चीर देना होगा सिर्फ तभी यह प्रश्न वाकई सार्थक बनता है कहाँ है बताइए भगवान कैसे हैं बताइए ये कोई ये एक सवाल नहीं है ये एक सामाजिक बहस है जो चल रही है एक सवाल का मतलब है एक सवाल का स्रोत होना चाहिए अज्ञानता और ज्ञान प्राप्त करने की चाहत है ना? ये एक सच्चा सवाल है, है कि नहीं एक सच्चे सवाल का मतलब है कि ये न जानने से जानने तक जाना चाहता है यही एक सवाल न जानने से जानने तक जाने का साधन होता है अगर कोई उसका मूल ही नहीं जानता कि वो कौन है तो ये एक सरल समस्या नहीं है ये बहुत ही गहरी समस्या है, है ना अगर कोई इसका मूल ही नहीं जानता कि वो कौन है सबसे बुनियादी सबसे मौलिक और अंतिम क्योंकि आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं अगर आप अपने अस्तित्व के आधार को ही नहीं जानते तो ये पूरी जिंदगी बकवास है है ना है कि नहीं अगर कोई ये नहीं जानता कि उसके होने का आधार क्या है तो इसका मतलब है कि जब आप पूछते हैं भगवान कहाँ हैं भगवान क्या है आपने उनका अनुभव किया है आप उन्हें जानते हैं जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आप खुद से कह रहे हैं कि मेरा जीवन बकवास है मेरे जीवन में शुरू से अंत तक सब कुछ बकवास है शायद उस एहसास का असर अभी तक आपके अंदर गहराई में ना गया हो इसे जाना चाहिए आपको ना जानने का दर्द पता होना चाहिए फिर आप बिना जाने यहां नहीं रह सकते आपको जानना ही होगा जब ऐसी स्थिति आ जाती है आपके भीतर ये ज्वाला धधकने लगती है कि आप बिना जाने एक भी दिन नहीं सो सकते फिर यह दूर नहीं है क्योंकि जो आप जानने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके भीतर है अगर आप जानने की लालसा से धधक रहे हैं और जो आप जानना चाहते हैं वो ऊपर स्वर्ग में है तो वो कठिन होगा burn, know, you, right अगर जानने की चाहत आपको जला रही हो तो ये तुरंत हो जाएगा क्योंकि ये ठीक यही है खैर चलिए शुरू करते हैं आपके विश्वास से और आप जिस पर भी विश्वास करते हैं जो भी आपकी समझ है उससे क्योंकि हम केवल आपकी मौजूदा स्थिति से ही शुरुआत कर सकते हैं लोगों ने हमेशा आपको बताया है भगवान हर जगह है कैसा है या उन्होंने आपको न भी बताया हो चाहे कोई भी धर्म या संस्कृति हो उन्होंने ये बताया है लेकिन अगर उन्होंने न भी बताया हो तो अपनी खुद की बुद्धि से अगर आप इस पर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि अगर भगवान जैसा कुछ है तो उसे हर जगह होना चाहिए हाँ अगर मैं उन्हें अपने मंदिर में बंद करके आ सकता हूं तो वो आपके किसी काम के नहीं है कि नहीं तो अगर भगवान जैसा कुछ है तो उसे हर जगह होना होगा अगर वो हर जगह है तो उसे यहां भी होना चाहिए वहां भी वहां भी वहां भी